अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर मैंने SEO के जितने भी टॉपिक्स हैं और जितनी भी क्लासेस में पढ़ाए हुए हैं वो सारे ही होंगे उसमें, ठीक है, ताकि आपका कोई अगर मिस टॉपिक हो तो वहाँ से देख सकते हो। इसी तरह जब हम सोशल मीडिया पढ़ेंगे तो एक फेसबुक की प्लेलिस्ट होगी, तो मैंने फेसबुक की जितनी भी क्लासेस पढ़ाई होंगी ना मुख्तलिफ सेशंस, तो उनमें जो फेसबुक के लेक्चर्स होंगे सारे उस प्लेलिस्ट में होंगे, ताकि अगर आपको कोई टॉपिक, बल्कि वो आप सुनेंगे तो उसका फ़ायदा भी आपको होगा, क्योंकि हर क्लास में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होती है, माइंडसेट भी चेंज होता है, तो वो हर बात को मैं डिफरेंट तरीके से हो सकता है बता रहा हूँ, कि जैसे अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ, हो सकता है कोई बात वहाँ ज़्यादा बताई हो, कोई आपकी क्लास में ज़्यादा बताई हो, तो अगर आप सुन लोगे तो नॉलेज आपका और बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर क्लास तकरीबन 40 मिनट 45 मिनट की होती है, तो अगर मैंने 10 भी दिए होंगे एक टॉपिक के ऊपर तो उसी टॉपिक के 10 लेक्चर्स होंगे सिमिलर, तो आप सुन सकते हैं वो भी, ठीक है जी। कोर वेब वाइटल्स कहता है जी इसके तीन मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तीन स्टैंडर्ड्स हैं, तीन यूनिट्स हैं जिनकी बेसिस पर हम इसको मेजर करते हैं। नंबर वन, अच्छा यूनिट से भी पहले आप ये देख लें, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ब्रैकेट में लोडिंग, यानी कि हम थ्री फेज देख लें ना, अगर वेबसाइट के थ्री फेज हैं वो कौन से हैं, पहला फेज है लोडिंग का, दूसरा फेज है इंटरेक्टिविटी का, और तीसरा फेज है विजुअल स्टेबिलिटी का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये भी मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा। अब आप एक चीज़ नोट करें कि सारी चीज़ें किस पे हो रही हैं, मोबाइल पे हो रही हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट सिर्फ मोबाइल पे नहीं खुलती है, डेस्कटॉप पे भी खुलती है, लेकिन गूगल ये कहता है भाई अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पर ठीक है तो मैं समझूंगा कि वो डेस्कटॉप पे भी ठीक है, यानी उसका उसने मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स, ये स्टैंडर्ड भी याद रखना, यानी गूगल का स्टैंडर्ड क्या है, मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स, यानी उसने पहले मोबाइल पर उसे इंडेक्स करना है, फिर उसे गूगल पे इंडेक्स करना, डेस्कटॉप पे इंडेक्स करना है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे इंडेक्सिंग हो रही है तो समझिए डेस्कटॉप पे भी इंडेक्सिंग उसकी होनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो कहता है भाई पहला फेज होता है आपकी वेबसाइट का वो क्या कहलाता है, लोडिंग का, यानी मैं गूगल पर आया, इधर आया, कोई भी URL लिखा तो वेबसाइट खुलना शुरू हो गई, लिख के एंटर किया तो लोड होगी ना सबसे पहले फेज में। अच्छा कहते दूसरा फेज क्या होगा, इंटरेक्टिविटी का, यानी ये एक मोड है जिसमें आपकी वेबसाइट इंटरेक्टिव होने की कोशिश कर रही है। इंटरेक्टिव होने की कोशिश का क्या मतलब, इंटरेक्टिविटी है क्या चीज, इंटरेक्टिव होने का क्या मतलब है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इंटरेक्टिव होके मेरी क्लास सुने आप, हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई वेबसाइट खुली है अभी वो इंटरेक्टिव हो रही है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ इमेजेस हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं, अभी पेज पूरा लोड नहीं हो रहा, अभी इंटरेक्टिव होने में कुछ टाइम ले रहा है वो। उसके बाद अगला जो फेज आएगा वो क्या आएगा, स्टेबिलिटी का, कभी इंटरेक्टिव हो रही थी अब इंटरेक्टिव होने का मतलब है कुछ चीज़ उसकी नज़र आ गई है लेकिन बाकी की चीज़ें अभी मूव कर रही हैं, सेट होने लगी हुई हैं, जैसे आप कभी किसी वेबसाइट पर जाएं तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती हैं खुलने के दौरान, ठीक है। उसके बाद एक फेज में आएगा जिसमें वो स्टिल हो जाएंगी, बिल्कुल एक वेबसाइट स्टिल हो जाएगी, ठीक है ना, जैसे मैं खोलता हूँ तो वेबसाइट स्टिल हो जाती है ना हमारे सामने, वो वाला जो फेज है उसको हम बोलते हैं विजुअल स्टेबिलिटी। कहता है आपकी वेबसाइट की स्पीड जो मेजर होती है वो इन तीन फेजेस में होती है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कहता है पहला फेज क्या है जी, LCP, LCP स्टैंड फॉर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। इसका मतलब क्या है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, अब नाम से अंदाजा क्या हो रहा है, लार्जेस्ट का मतलब है कि बहुत बड़ा, कंटेंटफुल का क्या मतलब है कि जिसमें भरपूर कंटेंट है, कंटेंट ही कंटेंट है, पेंट का क्या मतलब है, कोई भी चीज जो पेंट हुई है स्क्रीन, यानी इसका मतलब क्या है कि पहला जो आपका कंटेंट है बड़ा कंटेंट, जो सबसे बड़ा कंटेंट है आपकी वेबसाइट का उसको वो कहता है LCP। दूसरी को देखे जरा, इसको देखे, यहां पर क्या लिखा हुआ है, अबव द फोल्ड कंटेंट, इसका क्या मतलब होता है, ये तस्वीर से आपको अंदाजा हो रहा होगा इसका मतलब है, पता लग रहा है क्या मतलब है, हाँ गुड, अबव द फोल्ड कंटेंट का मतलब है कि ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, मैंने एक वेबसाइट खोली है, सारी वेबसाइट इतने हिस्से में तो पूरी नहीं आनी, इतने हिस्से में क्या होगा, वेबसाइट का टॉप नज़र आएगा आपको सिर्फ, ऐसे ही है ना, आमतौर पर क्या आता है इसमें, इसमें मेन्यू आ जाता है, इसमें स्लाइडर्स आ जाते हैं अगर वेबसाइट के स्लाइडर्स बने होते हैं तो, और उसके बाद कुछ नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ जाता है, और सम टाइम एक इमेज भी नज़र आ जाता है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है, कहता है अबव द फोल्ड कंटेंट से ऊपर, यानी इस स्क्रीन की बात हो रही है सिर्फ, अबव द फोल्ड कंटेंट का क्या मतलब होगा, मैं यूं करूंगा, यूं करूंगा, इसका मतलब है कि अब क्या किया, मैं वेबसाइट के नीचे वाला हिस्सा देखना शुरू हो गया, ठीक है, सो ये अबव द फोल्ड कंटेंट नहीं है, फोल्ड करने से पहले वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, वो LCP कहलाता है, ठीक है। कहता है भाई ये जो पहले वाला हिस्सा है ना आपका अबव द फोल्ड कंटेंट से ऊपर ऊपर जो कुछ है
उधर जो LCP आपका यानी सबसे बड़ा जो कंटेंट है उसका जो लोड होने का टाइम है वो कितना होना चाहिए? 2.5 सेकेंड्स। गुड है, इससे बढ़ जाएगा तो नीड्स इंप्रूवमेंट, यानी अगर इससे ज्यादा टाइम ले रहा है तो क्या कहता है वो कि भाई इसको भी आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। और अगर कहता है कि 4 सेकेंड से भी ऊपर हो जाए तो इसका मतलब है कि ये ठीक नहीं है, हालात खराब है। और जब हम किसी टूल को यूज करते हैं तो आपने देखा था ना वहां पर ABCDE आता है, तो वो ग्रीन कलर में आता है या ऑरेंज कलर में आता है या रेड कलर में आता है, तो रेड कलर में आ रहा होगा तो इसमें पुअर, यानी कि 4 सेकेंड से ज्यादा टाइम लेने लगा हुआ है, ठीक है। अब लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज को हम पहचानेंगे कैसे? मतलब पहचानना कैसे कि इसमें से लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज है क्या? मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ ऊपर स्लाइडर है, मेन्यू है, टेक्स्ट है और एक तस्वीर है जो कि अबव द फोल्ड कंटेंट से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ आ गया कि इसमें से सबसे बड़ा कंटेंट कौन सा होगा? कौन सा होगा बेटा? स्लाइडर। इसलिए कि स्लाइडर के अंदर स्क्रिप्टिंग हुई हुई है और सबसे ज्यादा जो लोड होने में टाइम लेती है वो स्क्रिप्टिंग लेती है, जावास्क्रिप्ट। एज ए SEO एक्सपर्ट हम लोग रिकमेंड करते हैं कि भाई ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है इसको मिनिमाइज करें जिस हद तक। दो चीजें हैं जो आपकी वेबसाइट को स्लो करेंगी, एक CSS का कोड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा कोड, और एक जावास्क्रिप्टिंग का कोड। CSS का कोड रिक्वायर्ड तो लिखेंगे ना, लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा कोड हो, समटाइम ऐसा कोड भी लिखा होता है जो यूज ही नहीं हो रहा होता, उसकी वजह से भी आपकी वेबसाइट स्लो होगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट के कोड की वजह से, अब CSS का कोड तो जरूरी है स्टाइल के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, लेकिन जो हमारा जावास्क्रिप्टिंग का कोड है ना, ये तो हमने कुछ फैंसी कोड लगाया हुआ है। कैसे? स्लाइडर लगाया हुआ हमने। अब स्लाइडर का हमारी इंफॉर्मेशन से कोई खास ताल्लुक तो नहीं है। वैसे भी अगर मिसाल के तौर पर मैं एक वेबसाइट है उसमें मैंने 5 स्लाइडर्स लगाए हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट है उसमें 5 स्लाइडर है, मतलब क्या हुआ, एक जा रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है। अब 5 स्लाइडर जो है, ठीक है ना, 5 स्लाइडर्स हमारी वेबसाइट को स्लो कर रहे हैं, डर गए। इसका मतलब है इतनी तवज्जो से ये पढ़ रहे हैं, अचानक आवाज आई है तो डर गए। 5 स्लाइडर में से एक वक्त में कितने नजर आते हैं? एक वक्त में तो एक ही नजर आएगा। कभी आपने आज तक कभी स्लाइड किया हो, आप किसी वेबसाइट पर गए हो तो स्लाइड करके आपने कहा पहले 5 स्लाइडर देखते हैं फिर आगे जाते हैं, ऐसे नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 4 स्लाइडर्स हैं वो तो फजूल ही है हमारे लिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्यूटी के लिए तो ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, और डेंजरस किस लिए है हमारे पास कि भाई ये जो 4 सेकंड से टाइम ऊपर लेकर जा रहे हैं ना, बेसिकली वही लेकर जा रहे हैं। तो हम एज ए SEO एक्सपर्ट क्या रिकमेंड करते हैं? हम कहते हैं कि भाई आप यूं करें, अबव द फोल्ड कॉन्टेंट से नीचे स्लाइडर ले जाए ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। ये जो 4 सेकंड आपके जाया होने लगे हुए ना इसमें, आप इसको बचाएं। या फिर आप एक काम करें कि स्लाइडर की जगह पर एक तस्वीर लगा लें सिर्फ, उससे भी आपकी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। सो एक तरीका तो हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है, समझ आ गई बात की। सो ये इसने कहा, इसका मतलब क्या हुआ, अब मिसाल के तौर पर अब मैंने क्या किया, स्लाइडर हटा दिया, सपोज करते हैं अब हमारी वेबसाइट में स्लाइडर नहीं है, ऊपर एक तस्वीर है, ठीक है, उसके नीचे टेक्स्ट है और उसके साथ एक छोटा इमेज है। अब हमें अंदाजा हो गया कि भाई अगर अभी भी स्पीड स्लो आ रही है तो इसका मतलब है जो मैंने ऊपर इमेज यूज किया हुआ है वो स्पीड मेरी स्लो कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, उसको कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज कर लूं। वैसे ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, अब आपकी स्पीड बेहतर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है? बिल्कुल नहीं, वो तो मेन्यू है ना हमारा, मेन्यू कुछ नहीं कर रहा, मेन्यू कुछ नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा डेंजरस क्या है, जावास्क्रिप्ट और उसके बाद CSS। अगर आपको जो मैंने टूल बताया था ना, अब आप उस टूल पर जाइएगा और उस टूल पर भी यही लिखा होगा LCP, ठीक है, फिर उसकी डिटेल पढ़िएगा स्लो होने की, तो वो आपको बार बार जावास्क्रिप्ट की बात करेगा। अब और दूसरी बात क्या है कि इसका लेना देना हमसे कुछ नहीं है, हम कूल होकर बैठे हुए हैं, हम कहते हैं भाई ये हमारा काम नहीं है, ठीक है, हम डेवलपर को भेजेंगे ये मैसेज कि भाई ये जो स्क्रिप्टिंग है आपकी इसको मिनिमाइज करें, और साथ हम अपने क्लाइंट को बता देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट के नहीं जी मुझे तो चाहिए, हर हालत में चाहिए, फिर हम उसे कहेंगे कि फिर आपको सर्वाइव करना पड़ेगा इसी के साथ। अगर वो कहे मेरा डिज़ाइन ऐसा ही होना चाहिए हर हालत में मुझे चाहिए, तो मैं उसे ये कह सकता हूँ कि भाई यूँ कर लो, 4 लगाए मैं स्लाइडर, 4 की जगह पर 1 कर लो या 2 कर लो, स्लाइडर्स की तादाद ज़्यादा ना रखो, ठीक है, क्योंकि स्लाइडर तो एक भी एनिमेट हो रहा होता है ना, पहले वाला भी तो एनिमेट ही होता है, तो हम उसे कहते हैं पहला ही रखो बस, बाकी के ना रखो, डिलीट कर दो, और यूँ किया करो को चेंज कर लिया करो, महीने के बाद कभी 1 लगा लिया,
फिर 15 दिन के बाद दूसरे वाला लगा दिया, ताकि तुम्हें ये जो होता है कि तुम्हारी मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट से जा रही हो वो भी जाती रहे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इंट्रैक्टिव होने में कितना टाइम लेता है, कहता है जी 100 मिलीसेकंड्स गुड टाइम होता है, ठीक है। अब ये इंट्रैक्टिविटी कैसे है, इंट्रैक्टिविटी में भी हमारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इंट्रैक्टिविटी में जो चीज़ें शामिल होती हैं, अब उसमें क्या, मिसाल के तौर पर हम यूँ कह लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमने अपनी वेबसाइट में मेंशन की हुई हैं, मिसाल के तौर पर फ़ॉन्ट्स, तो मैंने बताया भाई ये फ़ॉन्ट्स यूज़ करो। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा नहीं जी मैंने अपनी वेबसाइट को बड़ी डिफरेंट लुक देनी है, तो आपने कोई एक ऐसा फ़ॉन्ट लगा लिया अपनी वेबसाइट में जो स्टैंडर्ड नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जब कंप्यूटर पर वो वेबसाइट खुलेगी तो वो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट तो है ही नहीं, इसका मतलब आपके पास तो वो फ़ॉन्ट ही नहीं है। यानी क्या होगा, जब भी वेबसाइट खुला करेगी तो सबसे पहले क्या करेगा, वो फोन को डाउनलोड करेगा। अब फोन डाउनलोड करने में फिर टाइम लगेगा ना उसका, तो फिर आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फोन्स कौन से यूज़ करने चाहिए अपनी वेबसाइट में, स्टैंडर्ड फोन्स यूज़ करने चाहिए जो कि आम विंडोज इस्तेमाल करने वाले के कंप्यूटर में भी मौजूद हो, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये कब होता है, ये तब होता है कि जब चीज़ों के साइजेस प्रॉपरली मैंशन ना किए, मसलन आपने इमेजेस यूज़ किए हुए ना, आपने विड्थ यूज़ किया इमेज के साथ ना हाइट, या कम से कम एक चीज़ यूज़ कर लें। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर जैसे ये कमरा है, किसी को पता हो कि यहाँ पर 20 कुर्सियाँ आती हैं, इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को अंदाज़ा ही ना हो यहाँ पर कितनी कुर्सियाँ आती हैं, कोई बंदा 100 कुर्सियाँ ला कर यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, टाइम लगेगा ना ज़्यादा। लेकिन अगर किसी को पता हो, इसी तरह आपकी जो वेबसाइट है उसके जो इमेजेस हैं, अगर हम अपनी वेबसाइट में ही इमेजेस के साइज़ बता दें तो क्राउलर को लोड करने से पहले ही पता लग जाएगा भाई इसमें 5 इमेजेस हैं और इनके ये साइजेस हैं, तो लोड करने में उसे आसानी होगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि पहले एक इमेज उसको मिलेगा, वो उसको लोड कर देगा, उसके बाद देखेगा वो एक और इमेज आ गया नीचे, फिर वो जब उसको लोड कर रहा होगा तो ऊपर वाले को फिर रीसेट करेगा, एडजस्ट करेगा ना, फिर तीसरा एक और इमेज आएगा कि इसका भी कोई साइज़ नहीं दिया हुआ उन्होंने, फिर वो ऊपर वाले दोनों को भी, तो इसका मतलब है इसी दौरान में भी काम चलने लगा होगा। अभी तक आपकी वेबसाइट जो है वो विजिबल स्टेबिलिटी इसकी सही नहीं हुई है, इस वजह से विजिबल स्टेबिलिटी का टाइम भी हमारा बढ़ जाता है। ये बातें आपने ऐसे बतानी है डेवलपर को, आगे से डेवलपर को सब पता है कि भाई क्या चीज़ मुझे कम करनी है, आगे से डेवलपर खुद ये काम करेगा। असूली तौर पर तो ये स्पीड चेक डेवलपर को लगाना चाहिए असूलन, क्योंकि वेबसाइट को वो बनाकर दे रहा है बनाने से पहले, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो लोग क्लाइंट्स वेबसाइट बनवाते हैं उन्हें तो कुछ भी नहीं पता होता, मतलब ये बातें क्लाइंट को तो नहीं पता ना कि भाई वेबसाइट की स्पीड क्या चीज़ है। इवन क्लाइंट से अगर बात करें, मैंने कई दफ़ा बात की है कि जनाब आपकी वेबसाइट की स्पीड ठीक नहीं है, तो वो माइंड भी कर जाते हैं और उसके फौरी बाद अपने मोबाइल के ऊपर अपनी वेबसाइट खोल के भी दिखा देते हैं, कहते हैं ये देखिए जनाब कैसे ठा करके खुल गई हमारी वेबसाइट, आप कह रहे हैं स्लो, ठीक है। फिर मैं टूल दिखाता हूँ, टूल से बताता हूँ कि यहाँ से चेक करें, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने अपने मोबाइल पर एक वेबसाइट खोली है तो अगली दफ़ा उसने इंटरनेट से तो खुलना ही नहीं है, उसने तो मेरे मोबाइल से ही लोड हो जाना है, इसलिए कि वो उसकी कैश मेमोरी में सेव हो गई है, ठीक है। हाँ, जब मैं क्रोम रीसेट कर दूंगा, फिर जब मैं चलाऊंगा दोबारा तो फिर नए सिरे से खुलेगी, लेकिन जब तक आपने उसको रीसेट नहीं किया अपने क्रोम को, वो तो हिस्ट्री में से खुल रही है बार बार, तो वो तो टाइम लेगी नहीं दूसरी दफ़ा खुलने के लिए। लेकिन आपके क्लाइंट ने जिसने सर्च किया गूगल पे जाकर और आपकी वेबसाइट को खोला, तो वो तो पहली दफ़ा खोल रहा है आपकी वेबसाइट, उसको पता लगेगा इसकी स्पीड स्लो है कि फास्ट है, वहाँ पर स्पीड मैटर करेगी, ठीक है। मतलब आपके क्लाइंट्स समझ रहे होंगे कि वेबसाइट स्लो है, लेकिन आप अपने घर में बैठे ये समझ रहे होंगे नो मेरी वेबसाइट तो बहुत फास्ट है। आगे आ जाते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है जो ऊपर मैंने आपसे डिस्कस की हैं जी। अगला फैक्टर क्या था, मोबाइल फ्रेंडली, ये भी आपको मैंने बताया था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, अगला फैक्टर क्या है, सिक्योरिटी विद HTTPS SSL लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट, ये ऑन साइट SEO का पार्ट नहीं है, ठीक है। SSL लगाना ऑन साइट SEO का तो नहीं है, तो हमने सिर्फ SSL परचेज एक्टिवेट हो गई, उसको लॉक लग गया, इट्स फाइन। जी क्रॉल एरर्स चेक करनी है, क्रॉल एरर्स भी आपके सर्च कंसोल में चेक हो जाते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, ब्रोकन लिंक्स 404, ठीक है ना, 404 चेक करना भी हमारे पास टेक्निकल SEO का पार्ट है। रीडायरेक्ट लगाने की जरूरत पड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया कि 301 का या 30 का रीडायरेक्ट लगा हुआ है, और मिस यूज तो नहीं कर रहे आप रीडायरेक्टर को, ठीक है ना, ये भी हमें देखना है। क्रिएट यूजर फ्रेंडली साइट आर्किटेक्चर, ये भी मैंने भी आपको बता दिया,
इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। क्या था इसमें, मेन्यूज अच्छे होने चाहिए, कैटेगराइजेशन अच्छी होनी चाहिए, यूआरएल स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए और इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए। यूआरएल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि हमारी वेबसाइट के जो मुख्तलिफ यूआरएल हैं, जैसे मैं कहता हूँ भाई मैं किचन कमर्शियल किचन में डील कर रहा हूँ, तो हम बेकरी इक्विपमेंट भी बेचते हैं, आइसक्रीम मशीनरी भी बेचते हैं, कॉफ़ी शॉप मशीन भी बेचते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा टैब है जिसमें मैं कॉफ़ी मशीन बेच रहा हूँ उसके ऊपर मुझे अपना कीवर्ड क्या यूज़ करना चाहिए, कॉफ़ी मशीन इक्विपमेंट सप्लायर इन पाकिस्तान, लेकिन मैं कैसे लिखूंगा कॉफ़ी डैश मशीन डैश सप्लायर डैश इन डैश, क्या हुआ कीवर्ड बन गया, डैशेज भी आ गए स्पेसिस, तो ये है उसका, इसको वो बोल रहा है कि आपका यूआरएल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इंटरनल लिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। वैसे गूगल हमें रिकमेंड करता है कि भाई 8200 लिंक्स अगर आपकी वेबसाइट के हैं, 8200 लिंक्स इंटरनल लिंक्स की बात करें, एक इनबाउंड लिंक्स होते हैं जो इंटरनली होते हैं, एक आउटबाउंड लिंक्स होते हैं जो बाहर की तरफ को लगे होते हैं, यानी कि दूसरी वेबसाइट्स के साथ आपके जो लिंक लगे हुए हैं उनको हम आउटबाउंड कहने लगे हुए हैं, ठीक है। आउटबाउंड लिंक्स भी होने चाहिए लेकिन रेलिवेंट, और इंटरनल लिंकिंग में सबसे बड़ी बात जो है ना वो रेलिवेंसी है। मतलब लिंक करने का मतलब ये नहीं है कि अगर लिंक करने को वो कह रहा है 100 लिंक तो धड़ाधड़ 100 लिंक बना दें और कोई बंदा पढ़ भी रहा है उसको लग भी नहीं रहा कि ये रेलिवेंसी इसकी है। मिसाल के तौर पर हमारे होम पेज के ऊपर कोर्सेज लिखा हुआ है और वहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं कि वी आर ऑफरिंग दिस 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 के फाउंडेशन कोर्स ऑफर कर रहे हैं, तो फाउंडेशन कोर्स इंटरनल लिंक बना हुआ है, उस पर क्लिक करता है तो वो फाउंडेशन की डिटेल में आ जाता है जिसमें सारी कोर्सेज की डिटेल आ जाती है, कोर्स का सिलेबस आ जाता है, फीस स्ट्रक्चर आ जाता है, क्लास टाइमिंग आ जाती है, ठीक है, हर चीज़ आ जाती है। अब ये रेलिवेंसी है ना इसकी आपस में, तो कहते हैं आपने जो इंटरनल लिंक्स बनानी है वो आपस में रेलिवेंट होने चाहिए, रेलिवेंसी बहुत मैटर कर रही है। और वो ये कहता है 8200 लिंक्स होने चाहिए, लेकिन 8200 लिंक्स का मतलब ये है कि आपके पास कंटेंट भी है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपने 200 वर्ड्स का पूरी वेबसाइट बना दी है तो उस पर 100 लिंक्स बनाएंगे तो वो पूरी की पूरी वेबसाइट ही लिंक होगी, वो तो लिंक के तौर पर ही होगी ना, हर वर्ड हर एक वर्ड के बाद आपको लिंक नज़र आ जाएगा, इस तरह भी नहीं नज़र आना चाहिए आपको लिंक, ठीक है। कम डाटा है तो कम लिंक्स बनाएं, लेकिन वो ये कहता है कि 8200 लिंक्स हो तो अच्छी बात है। अगर इससे ज़्यादा लिंक्स होंगे तो वो ये भी कहेगा कि भाई एक्सेसिव लिंक्स हो गए आपके, लिंक ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे वो कीवर्ड को कहेगा कि आपने कीवर्ड स्टफिंग की हुई है अगर आप 3% से ऊपर जाएंगे, तो इसी तरह अगर आपने लिंक ज़्यादा लगाए होंगे तो लिंक्स के मुतल्लिक भी कहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आगे क्या चीज़ आ गई है, रोबोट्स। कहता है भाई रोबोट्स की फाइल टेक्निकल एसईओ में आती है, पड़ी थी ना बनानी, हमने सीखी थी रोबोट्स फाइल बनाना, सीखा था आप लोगों ने, याद आ रहा है कुछ के नहीं? अच्छा जी, रोबोट का मतलब क्या है कि किन फाइलों को किन पेजेस को हमने एक्सेस देना है और किन पेजेस को हमने एक्सेस नहीं देना, ठीक है जी। यूआरएल्स की बात हो गई है, ये होगी खत्म, ये यूआरएल की एग्जाम्पल आ गई, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दी थी। हाँ, इलिमिनेट डुप्लीकेट कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपको नज़र आता है कि भाई ये तो हमने किसी से कॉपी किया था, उसको फौरी तौर पर चेंज करें। अभी तो आजकल आपके पास चैट जीपीटी और इस तरह के और टूल्स भी आ गए हैं, ठीक है, तो उधर जाकर आप नया कंटेंट लिखवा सकते हैं। जैसे मैं लिखवाना चाह रहा हूँ अबाउट सेक्शन, ठीक है, सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज वाले का अबाउट सेक्शन लिखवाना चाहता हूँ, तो मैं चैट जीपीटी में जाऊँगा और वहाँ जाके लिखूँगा प्लीज़ सजेस्ट मी अबाउट सेक्शन कॉन्टेंट अबाउट सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन 200 वर्ड्स, तो वो क्या करेगा मुझे 200 वर्ड्स में लिख कर दे देगा। अगर मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं उसके नीचे एक और लाइन लिखूंगा प्लीज रिफाइन कंटेंट अगेन, वो क्या करेगा उसी को और बेहतर करके मुझे दिखा देगा। अब मुझे ऊपर वाला अच्छा लगता है या उससे ऊपर वाला अच्छा लग रहा है, जो भी मुझे अच्छा लगेगा उसे मैं वेबसाइट पर ले जाऊंगा और वो बिल्कुल यूनिक है। मैं किसी वेबसाइट का कॉन्टेंट लिख रहा हूँ आजकल चैट जीपीटी यूज करता हूँ, मैंने किसी की सोशल मीडिया ऐड बनानी है, फेसबुक ऐड बनाना है, तो उसकी हेडलाइन उसका प्राइमरी टेक्स्ट सब कुछ चैट जीपीटी से ले रहा था। लेकिन चैट जीपीटी से लेने के लिए आपके अंदर अपनी सेंस मौजूद होनी चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि जो मुझे रिकमेंडेशन मिल रही है कि ठीक रिकमेंडेशन मिल रही है कि मेरे काम की नहीं है या ये सही नहीं है या रेलिवेंट नहीं है मेरे कॉन्टेंट के साथ या मेरी ऑफर के साथ, ठीक है। जी चैट जीपीटी अभी तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके दो वर्जन हैं, एक पैसों वाला है एक फ्री वाला है, ठीक है। तो पैसों वाला भी इतना महंगा नहीं है, वो $20 पर मंथ पर है, लेकिन उसमें कोई खास एडवांटेज नहीं है सिवाय इसके कि वो आपको बिजी नहीं मिलता। अगर आपने पेड वर्जन लिया होगा तो आपका सर्वर बिजी नहीं जाएगा, लेकिन मैंने आज तक जब भी चैट जीपीटी यूज़ किया मुझे कभी बिजी नहीं मिला।
फ्री वर्जन यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं कहा मुझे कभी बिजी नहीं मिला, लेकिन स्टूडेंट मुझे अक्सर ये कहते हैं, मैं जब उन्हें बनाने को कहता हूँ तो वो कहते हैं खुल नहीं रहा, लेकिन मैंने जितनी दफ़ा यूज़ किया मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। इंटरनेट भी ठीक होना चाहिए आपका, और सम टाइम नहीं भी मिलेगा ना तो वो ये कहेगा जनाब आपका हमें इन्फॉर्मेशन आ गई है कि आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, इस वक्त हम बिजी हैं, तो जैसे ही आप अवेलेबल होंगे मैं आपको ईमेल कर दूंगा, तो आपको ईमेल पर आएगा कि नाउ यू कैन यूज़, बस दोबारा स्टैट ड्यूटी यूज़ करना शुरू कर दें, ठीक है। उसके बाद 301 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ और कैनोनिकल भी बताया था आपको मैंने, कैनोनिकल भी हमारा, अब आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कैनोनिकल है जो हम ऑन साइट एसईओ के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ, क्योंकि टेक्निकल एसईओ को ये देख रहा है। क्या होता है कैनोनिकल, कैनोनिकल एसईओ, कैनोनिकल टैग क्या होता है, वो आपकी एचटीएमएल फाइल्स को ही कंपेयर कर रहा होता है कि इन फाइल्स के अंदर तो कोई डुप्लीकेट कॉन्टेंट नहीं है, अगर है तो फिर कहता है बता दो मुझे इसमें से असल वाला कौन सा है और कॉपी वाला कौन सा है। हम कॉपी पे जाके कैनोनिकल लगाते हैं तो जब क्राउलर कॉपी पे आता है तो उसको पता लग जाता है कि भाई इसको नहीं देखना मैंने असल वाले को देखना, ठीक है। सो ये कैनोनिकल है, सो इट इज आल्सो पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। चलो ये हो गई हमारी टेक्निकल एसईओ भी खत्म, ऑन साइट एसईओ भी खत्म। और अगर अब मैं आपसे कहूँगा भाई हमें एसईओ ऑडिट करना है, इसका क्या मतलब है, एसईओ ऑडिट करना क्या मतलब है, मतलब मैं कहता हूँ मेरे पास एक क्लाइंट आता है और मुझे कहता है भाई मुझे अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है, ठीक है। सो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आपकी वेबसाइट है, कई लोगों की वेबसाइट भी नहीं होती है, हाँ ये भी नहीं उन्हें पता होता, कई लोगों का सिर्फ फेसबुक पेज होता है तो वो समझ रहे होते हैं कि एसईओ करने से कुछ ऐसा हो जाएगा। सो हम सबसे पहले उनसे वेबसाइट का यूआरएल लेते हैं, ठीक है, उस वेबसाइट का हम ऑडिट करते हैं। ऑडिट करने का क्या मतलब है कि हम उसको चेक करते हैं कि क्या इसकी एसईओ हुई हुई है कि नहीं हुई, आपने उसका एसईओ ऑडिट करना है। आपको बताया था ना कैसे करना है, प्रीवियस क्लास में भी देखा था आप लोगों ने शायद, कैसे मैंने कहा था ना ऑनलाइन एसईओ चेकर, सिंपल लिख दें। ये मोबाइल के ऊपर मैंने कहा था इसको इंस्टॉल कर लो, ये इसका आइकन आ रहा है ना, ये मोबाइल के ऊपर टूल है, ठीक है। इस टूल का क्या नाम है, एसईओ एबिलिटी लिखोगे तो आ जाएगा, एसईओ चेकर लिखोगे तो भी आपके मोबाइल पे ये एप्लीकेशन आ जाएगी, ये मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास भी मोबाइल पर इंस्टॉल है, इस पर क्लिक करता हूँ। अब आपने अगर किसी वेबसाइट की एसईओ चेक करनी है, जैसे मैं स्टार्स की देखता हूँ या पीक सॉल्यूशन की देख लेते हैं, चलो जी एनालाइज, मतलब ये एसईओ कर रहा हूं मैं। अब इस टूल ने तो मुझे सब कुछ रिटर्न कर देना है, लेकिन मैंने अगर किसी को देना है तो मैं तो उसे डॉक्यूमेंट बनाकर दूंगा ना, मतलब इस टूल से ही डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा, लेकिन बनाऊंगा एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट, उसको बताऊंगा कि जनाब ये भी नहीं हुआ हुआ, ये भी नहीं हुआ हुआ, ये भी नहीं हुआ हुआ। देखिए इसका क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसकी कुछ हुई हुई है, कुछ 69% इसकी आ रही है, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर हम देखें क्या क्या है, इसको मैं जल्दी से कवर करता हूँ, क्या मेटा इन्फॉर्मेशन 100% यानी कि मेटा हुआ हुआ है, अच्छा। उसके बाद क्या कहता है जी, पेज क्वालिटी 58%, इसका मतलब इसमें काम होने वाला है, पेज की क्वालिटी में काम होने वाला है, अच्छा। उसके बाद क्या कहता है, पेज स्ट्रक्चर ये भी इतना अच्छा नहीं बना हुआ उसके मुताबिक, अच्छा। पेज क्वालिटी क्या है, अभी आएगी नीचे डिटेल सारी आएंगी हमारे पास, ठीक है। पेज क्वालिटी है क्या बेसिकली, अभी हमने देखा था ना इसका कंटेंट है और पेज स्ट्रक्चर का क्या मतलब, अभी हमने कहा था स्ट्रक्चर के अंदर मैंने क्या कहा था, मेन्यूज ठीक तरीके से बने हुए हैं, कैटेगराइजेशन ठीक है, यूआरएल स्ट्रक्चर ठीक बना हुआ है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। जब हम जैसे जैसे हम इनको इम्प्रूव करते जाएंगे हमारा क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव होता जाएगा, अच्छा। उसके बाद क्या कह रहा है जी, सर्वर स्कोर 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये सर्वर कुछ इशू है, सर्वर इशू ये हल करवाएंगे तो इसका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा एकदम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल फैक्टर्स फाइन, एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ कि लिंक बिल्डिंग की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा आप नीचे आकर देखो जरा, ये रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है, यहाँ स्पीड है, स्पीड चेकर से जाकर हम स्पीड देख लेंगे, स्पीड का ताल्लुक एसईओ चेकिंग से नहीं है, ठीक है। अगर स्पीड इशू है तो हम डेवलपर से कह के इसको ठीक करवाएंगे, अगर एसईओ इशू है तो हम खुद हल करवाएंगे, सर्वर इशू है तो ये होस्टिंग को इशू, होस्टिंग इशू है ये उधर से हम हल करवाएंगे। अब ये देखें ये एसईओ इशूज नजर आने शुरू हो गए हमें, आगे कहता है एड H1 हेडिंग टू दिस पेज, कहता है H1 की हेडिंग आपने यूज ही नहीं की हुई, ठीक है। तो अगर ये H1 मतलब उसने H1 लगाया ही नहीं हुआ पीक सॉल्यूशन में, लगाना चाहिए ना,
आगे कहता है अपने पेज के रिस्पांस टाइम को इंप्रूव करें, इनेबल द कंप्रेस्ड एचटीएमएल कंटेंट ट्रांसफर टू योर सर्वर यूजिंग जीजिप। ये एक जीजिप का होता है कि इसका कोड लिखना होता है हमने, तो इससे भी इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको मैं उसमें दिखाता हूँ खोल के। ट्राई टू रिड्यूस नंबर ऑफ यू सीएसएस फाइल। आगे वही मैसेज जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कहता है आपने जो सीएसएस की फाइलें हैं वो बहुत ज़्यादा बनाई हुई हैं, इसको रिड्यूस करें। ठीक है, इसको रिड्यूस करने से आप, अब इससे क्या होगा, स्पीड तेज होगी, स्पीड तेज होगी तो एसईओ इंप्रूव होगी। यानी ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है एसईओ से। ठीक है, अब आप अगर आप यहाँ पर देखो तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर जो काम आपको करना है वो एच वन का है, बाकी करवाना है। ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ यूज जावास्क्रिप्ट फाइल्स। ये दूसरा इशू आ गया, ये वाला मसला भी हम कहाँ से हल करवाएंगे, डेवलपर को कह के हल करवाएंगे, क्लाइंट को बताएंगे कि ये इश्यूज आ रहे हैं या आप डेवलपर से हल करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाए, टाइटल कहता है ठीक है, पढ़ा था ना हमने 580 पिक्सल लेंथ होनी चाहिए। क्या कहता है, कहता है इसकी कितनी है जी, 549, फाइन, देयर आर नो डुप्लीकेट वर्ड्स इन द टाइटल। यानी एक और आपको बात पता लगी कि टाइटल के अंदर डुप्लीकेट नहीं यूज करना, एक वर्ड को दो दफा यूज नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी टाइटल बहुत छोटा है आपके पास, 60-70 करेक्टर्स की लेंथ है उसकी। तो कहता है भाई एक वर्ड को दो दफा यूज करके आप जाया कर रहे हो अपने लेंथ को, उसकी बजाय आप एक दफा प्राइमरी कीवर्ड यूज करो, तो आगे आप चाहें तो कंपनी का नाम यूज कर लें या सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर लें। अच्छा, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन के मुतालिक बता रहा है, फाइन जी, ये 980 पिक्सल होती है ना। ठीक है, तो कहता है ये भी 931 है, फाइन। उसके बाद क्या कहता है, क्रॉलेबिलिटी, कहता है क्रॉलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है आपकी वेबसाइट के साथ, फाइन। उसके बाद क्या कहता है जी, कैनोनिकल यूआरएल, देयर इज अ वैलिड कैनोनिकल लिंक स्पेसिफाइड। कहता है जी आपने कैनोनिकल यूज किया हुआ है, इसका स्कोर का रेटिंग मिल गई इसको। लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के मुतालिक बता रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ रहा है, अल्टरनेटिव एचआरएफ लैंग्वेज टैग, ये भी कहता है आपने बताया हुआ है। अदर मेटा टैग्स, डोमेन जी, ये भी ओके है, कहता है आपने सब डोमेन नहीं बनाई हुई, कहते आपकी डोमेन सब डोमेन में इस वक्त नहीं है, आपको याद है प्रोफेशनल किचन हमारी सब डोमेन में है। उसके बाद क्या कहता है जी, पेज यूआरएल, और नीचे आ जाए जरा मैं बताता हूँ आपको ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेटा टैग्स जहां पर इश्यूज है ना वो देखेंगे। मोस्टली चीजें हमें पता लगी है यहां से। आगे क्या था नीचे, अब देखें फेविकॉन भी इसका एक था फैक्टर था, फेविकॉन भी पता ना क्या था, ऊपर जो तस्वीर हमारे पास लगी हुई थी, ये क्या है, ये सारा डाटा मैं यहां से कलेक्ट करूंगा और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बनाकर उसको दूंगा। यहां पर तो एसईओ कुछ हुई हुई है ना, जिसकी नहीं हुई होगी उसको हम बताएंगे। अभी मैंने यहां से देखा है, उसके बाद मैं उसकी वेबसाइट को डायरेक्ट भी एनालाइज करूंगा, मैं खुद देखूंगा कि उसके पैराग्राफ्स कितने बड़े बने हुए हैं, क्या पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग यूज हुई हुई है कि नहीं हुई है, क्या सेंटेंसेस ज्यादा बड़े तो नहीं बने हुए, इंग्लिश कैसी यूज हो रही है, तस्वीरें किस तरह की यूज हो रही है। ठीक है, अभी उसने इमेज की भी डिटेल नहीं दी हमें, आर्ट की नहीं ना दी उसने, होगी कहीं हमसे गुजर गई होगी उसने, आप यहां पर वो आपको आर्ट की भी देगा, जब इसको देखते हैं। क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है, वैसे आर्ट नहीं आया था यहां पे कहीं, चल अब इसका स्कोर देखें आप, ये सब डोमेन में आ रहा के, ठीक है, इसका स्कोर कितना आ रहा है जी, 83% इसका स्कोर आ रहा है और ये रैंक भी हो रही है। मेटा इंफॉर्मेशन कितनी कह रहा है, 98%। अब आप ये देखें पेज क्वालिटी दिखा रहा है, 80% के कंटेंट भी इसका अच्छा है और पेज स्ट्रक्चर इसका 100%, तो बिल्कुल ठीक पेज स्ट्रक्चर बना हुआ इसका। अगर किसी का कुछ भी नहीं होगा तो हो सकता है कि डेवलपर ने किस तरह की वेबसाइट, हो सकता है 50% पर हो सकता है 40% पर हो सकता है कि डेवलपर को थोड़ी बहुत एसईओ आती हो तो कुछ 60 तक ले गया हो, ये तो हम अब देखेंगे, तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स का मुख्तलिफ स्टेटस हमें नजर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब आप यहां पर देखें तो इसमें किस फैक्टर पर काम हुआ है, लिंक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, लिंकिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई है। अच्छा सर्वर, ये देखिए यहां पर इसका स्कोर कम है, 50% स्कोर आ रहा है, क्यों,
सब डोमेन में, ये सब डोमेन पे बना हुआ है, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या होगा कि ये मेन डोमेन पे यही वेबसाइट अपलोड कर दी जाए तो शायद ये 90 पर चला जाए या 87 पर चला जाए, सिर्फ इसको मेन डोमेन पर लेकर जाने से, क्योंकि ये सब डोमेन में बनाई हुई है हमने। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसका क्या मतलब है, लिंक बिल्डिंग तो हमने की नहीं हुई इसकी, कल भी मैंने आपको ये दिखाया था, तो इसका आपने देखा था ना कि डोमेन अथॉरिटी स्कोर बहुत कम था, और ये काम एक स्टूडेंट से करवाया हुआ मैंने, जैसे आपको दिया है ना प्रोजेक्ट, ज़्यादा मेहनती स्टूडेंट था चेत आप लोगों से, जैसे ये वेबसाइट बना दी और ये हमने क्लाइंट को दी हुई है, और ये मेरा ख्याल 6 महीने की हमने दे दी हुई है, अब हम इसमें कुछ नहीं करते, हैंड ओवर भी कर चुके हैं क्लाइंट को, क्लाइंट की अपनी एक और वेबसाइट थी उसकी हमने एक एक्स्ट्रा बना दिया मैंने, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनवाई थी, उस स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए बनवाई थी, क्योंकि आप देख रहे हैं मेन तो है ही नहीं है, मेन वेबसाइट क्या है उसकी, डीसी किचन है, तो ये हमने उसकी एक और बना दी, और डीसी से ऊपर आ रही है, ये डीसी से भी ऊपर आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, क्योंकि मैं उसका काम ही नहीं करता हूँ उस क्लाइंट का। जी आगे आ जाए, देखते जाए जरा आप चीजें, ठीक है, नीचे आ रहा हूं मैं, देखते जाए, डोमेन में पकड़ा उसने आके, कहता सब डोमेन है। अब यही चीजें मैंने डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लेकर जानी है उसके बाद। जी ये था ना, नीचे जाना था, मैं यहां नीचे गया शायद, ये देखिए यहां पर क्या कह रहा है, रोबोट्स सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें, और नीचे आए, ये क्या लिखा हुआ है कंटेंट के मतलब, देखिए बता रहे ये कितना कंटेंट लिखा हुआ है, हमने देखे 826 वर्ड्स का कंटेंट है इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि इतना होना चाहिए, कम से कम 800 मैंने कहा था, मैक्सिमम 15 तक लेकर जाओ। उसके बाद क्या कहता है जी, 33.7 ऑफ द टेक्स्ट और स्टॉप वर्ड्स, स्टॉप वर्ड्स पता है ना आपको क्या होते हैं, मतलब आप जब कंटेंट लिख रहे हैं तो स्टॉप वर्ड पता लगे आपकी बात कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सो कहता है इसने यूज किए हुए हैं फाइन, कहता है ये वाले वर्ड्स भी आपके होने चाहिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड यूज द पेज टाइटल और आल्सो यूज इन पेज कंटेंट, पता लगा, कहते हैं जो टाइटल कीवर्ड, जो कीवर्ड टाइटल में यूज हुआ हुआ है वही आपने पेज कंटेंट, आपने देखा मैं आपको स्टोरी सुनाता था हमेशा कि प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट टाइटल में है, प्रोफेशनल मेटा में है, प्रोफेशनल हेडिंग स्टाइल में है, प्रोफेशनल इमेज के ऑल्ट एट्रीब्यूट में है, प्रोफेशनल पैराग्राफ्स में है, तो रैंक कर जाएगा ना फिर, इतना किसी ने नहीं किया होगा, कंप्यूटेटर ने ये सारी चीजें रिपीट नहीं की होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे आगे, द पैराग्राफ कंटेन्स लिस्टिंग विद इंडिकेट गुड टेक्स्ट लेआउट, कहता है लिस्टिंग भी बनाई हुई है आपने, लिस्टिंग की सूरत में 1, 2, 3 बुलेट्स एंड नंबरिंग, कहता है अगर आप वो भी यूज करेंगे तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है उसका। उसके बाद क्या कहता है, द टेक्स्ट कंटेंट इज परफेक्ट, 9 पैराग्राफ्स वर फाउंड ऑन द पेज, कहता है ये भी अच्छी बात है कि आप मतलब बहुत सारे पैराग्राफ्स की सूरत में काम किया हुआ है, तो जितने पैराग्राफ्स की सूरत में काम किया है इसका मतलब क्या हुआ कि रीडेबिलिटी अच्छी हो रही है उसकी, और आपके पास हेडिंग स्टाइल लिखने की ऑप्शन भी बच रही है। द एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स पर सेंटेंस ऑफ 24 वर्ड्स इज गुड, कह रहे हैं आपने एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, 24 वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो कि अच्छी बात है, इससे आगे ना लेकर जाए। यही कहा था ना आपको कि लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाने। अब यहां आकर हम एनालिसिस करेंगे सारे दूसरों को भी, कि वो जहां जहां गड़बड़ होगी ना मुझे बताएगा कि इसको ठीक करो, फिर मैं इसको ठीक करना शुरू हो जाऊंगा एक एक इसको। और नीचे है फ्रेम्स, फ्रेम नहीं होने चाहिए, कहता है आपकी वेबसाइट पे फ्रेम नहीं है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, यही कहा था ना मैंने आपसे कि जिसको मैं कह रहा था कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है कि नहीं है, ठीक है। बोल्ट और स्ट्रॉन्ग का आप कैसा इस्तेमाल किया हुआ है। इमेज एसईओ क्या कहता है, आपने यूज की हुई है इमेज एसईओ, ये हमने वो इसकी उसकी देखी नहीं थी ये वाली चीजें, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एडिशनल मार्कअप HTTPS, सारा पता लग गया हमें। H1 ये पेज स्ट्रक्चर की बात हो रही है, आ रहे ये पेज क्वालिटी थी, पेज स्ट्रक्चर और पेज क्वालिटी के डिफरेंस को अगर आपने समझना होगा तो आप इन दो बातों से समझ लें कि पेज क्वालिटी में और पेज स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ये अब आपको मैंने दिखाया क्योंकि हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा उसमें आपका ये काम भी होगा, SEO ऑडिट का भी एक टास्क होगा, ठीक है। वो मैंने आपको ऐसे ही देना है कि आपने मुझे किसी वेबसाइट का SEO ऑडिट करके देना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप SEO ऑडिट करेंगे
कुछ वेबसाइट को देख के एसईओ ऑडिट करेंगे और एक डॉक्यूमेंट बनाकर मुझे बताएंगे कि जनाब एसईओ ऑडिट का मतलब क्या है। एसईओ ऑडिट का मतलब ये है, मतलब एसईओ ऑडिट हर दफा एसईओ एक्सपर्ट देगा कि भाई आपकी वेबसाइट पर ये एसईओ के काम होने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट की सूरत में देगा तभी कोई करवाएगा ना। जैसे आप गाड़ी किसी के पास लेकर जाते हैं, हाँ, तो वो कहता है ना कि भाई इस गाड़ी में ये भी होने वाला है, इसमें ये भी होगा, ये वाली चीज़ें चेंज होने वाली हैं, ये मुरम्मत होने वाली हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ। और ऑनलाइन जो है ना, अगर आप ऐसे फ्रीलांसर काम करना शुरू करो, पाकिस्तान में तो खैर एस सी ऑडिट उसी में चला जाता है ना, हमारी एस सी ओ में चला जाता है, लेकिन ऑनलाइन एस सी ऑडिट अलहदा है। और सबसे पहले जो काम होता है ना वो एस सी ओ ऑडिट का काम होता है अलहदा से। तो एस सी ओ ऑडिट का काम मिलता है, आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आप सिर्फ एस सी ओ ऑडिट करके देते हो और उसको चार्ज करते हो, सिर्फ एस सी ओ ऑडिट करने को ही चार्ज करते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसे कहते हैं जनाब ये एस सी ओ ऑडिट है, इसके मैं इतने पैसे ले रहा हूँ आपसे, अब अगर आपने एस सी ओ करवानी है तो ऑन साइट के मैं इतने लूँगा, टेक्निकल के मैं इतने लूँगा, और लिंक बिल्डिंग करवानी होगी तो मैं इतने पैसे चार्ज करूँगा। काम खत्म हो गया, अगला लेक्चर इंशाल्लाह हम उसका लेंगे, सोशल नहीं उसका लेंगे, लिंक बिल्डिंग का लेंगे भी। नहीं, एक एक लेक्चर मैंने आपको लिंक बिल्डिंग का भी देना है, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। दिखा रहा है कि आपने क्या क्या किया हुआ है, किस किस चीज़ को कहाँ यूज़ किया हुआ है। यही चीज़ थी ना जो मैं आपको स्ट्रक्चर कह रहा था, ये इंटरनल लिंकिंग की बात भी आ गई है नीचे, देखें लिंक स्ट्रक्चर की भी बात कह रहा है, कहता है द नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स आर ओके, नन ऑफ द एंकर टेक्स्ट इज टू लॉन्ग। इसका क्या मतलब हुआ कि जिन लोगों ने लंबे लंबे एंकर टेक्स्ट लगाए होते हैं, यानी वो करते क्या है कि पूरी की पूरी एक सेंटेंस बनाकर उस सारे को हाइपरलिंक बना देंगे, कहता है वो भी ठीक नहीं है। कहता है आपने छोटे छोटे एंकर टेक्स्ट यूज किए हुए, फाइन। अब आप देखेंगे, अब आप एक और चीज नोट किया कि पूरी समरी आ गई आपके पास एसईओ की, आ गई है ना। आप किसी भी वेबसाइट को रीड कर लें और खासतौर पर किसी अच्छी एक, मतलब इसको अगर समझ लेना आपने एसईओ को, एक अच्छी वेबसाइट को रीड करें और एक बुरी वेबसाइट को रीड करें, जितना आपने एसईओ करेंगे उसके अंदर बिहार, वही मैं कह रहा हूँ, एक अच्छी एसईओ वाली वेबसाइट को रीड करें, उसके बाद एक बुरी एसईओ वाली वेबसाइट को रीड करें, तो वो बता देगा, अच्छी वाली का बताएगा कि इसमें ये हो चुका हुआ है और बुरी वाली का बताएगा कि इसमें ये होने वाला है, आपको सारी की सारी एसईओ का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है।